है ब्रह्मा के लाल जो मोर से मुकाबला कर सके। पुत्र अपन पिता से कितना प्यार करते जो बोल नहीं पाए, और एक पिता अपन पुत्र से कितना प्यार करते वही के इर्द गिर्द पूरा कहानी है। तोर से प्यार करी इसने करी से ले बता नोनी। अरे मैं तो पटाए हो अपन पूरा बदला निकाले है लड़का मन छेड़ा जे हाँ। तो अब ये लड़का वाला छेड़े परेशान कर दिस होता है। मस्त अच्छे से छेड़े हो एकदम संगवारी हो। आप मन पिक्चर देखे आऊ ना तो आप मतलब समझ में आ जाएगी लड़का मतलब कैसे छेड़ना है। गोली खवाए नहीं मतलब घुसा देते नहीं गोली लाओ पिलाते अब कैसे पिलाते अब वही जाना है। अब यूट्यूब पे टेक्निक सीखी हो सका थे मतलब गोली लाओ इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में डाल दे कैसे डाली हो देखे पड़ी यूट्यूबर डॉक्टर जी। और इतना कम उम्र में मुला इतना सब कुछ मिले है तो जेकर बर दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ भैया के चैनल के माध्यम से। बहुत सिंपल लाइफ है आप जैसे हो एकदम दाल भात खाते हो भोरे भासी खाते हो मस्ती करते झूठ बोलते सीरियल में चीज देखता की जैसे कुछ बात कह दीस हीरो हा हीरोइन कुछ बात कर दीस ओकर बाद मतलब एक लाइन बात कहे में मतलब एपिसोड खत्म हो जाते कई बार। तो संगवारी हो जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। मोर नाम है यशवंत साहू और आप देखा तो भिलाई टाइम्स और भिलाई टाइम्स में लगातार आप चुनाव की खबर देखा तो खबर की माहौल और मौसम जो है चुनाव के हावे। 7 मई को मतदान जरूर करूँ और अभी थोड़ा चुनावी बीच में जो है मौसम और माहौल ला खुशनुमा बनाए पर हमारे संग में हावे छत्तीसगढ़ी फिल्म माई के लाल रुद्र के सबो स्टार कास्ट। हमारे संग में जो डायरेक्टर साहब हावे सुभाष जायसवाल जी जे है लगातार ये बोल सकते हो कि टीवी दुनिया में जो है टीवी इंडस्ट्री में है लगातार सीरियल बना रही थे और अब जो है पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म बना था। और दीपक कुमार जी है जो पिक्चर के हीरो हवे और प्रोड्यूसर तको हवे और एक बारे में बताया जरूरत नहीं है सबो जन जानते हो हेमा शुक्ला जो लगातार एक के बाद एक फिल्म करत हवे छत्तीसगढ़ी और छाए हवे पूरा छालीवुड में। तो माई के लाल रुद्र तो रुद्र आपे हो जी तो माई के लाल रुद्र मतलब थोड़ा पिक्चर इसे लगा कि एकदम ज़्यादा एक्शन थ्रिलर माहौल रोमांटिक सब कुछ है। हाँ बिल्कुल आप थोड़ा एकदम पिक्चर के बारे में हल्का पुल्का थोड़ा बता दो कर बता आगे धीरे धीरे उठा वो। सबसे पहली भिलाई टाइम्स के दर्शक मल्ला जय जवाहर प्रणाम करता हूँ। मैं दीपक कुमार सर बोली इसकी पिक्चर के बारे में बताओ तो मैं बताता हूँ। फिल्म के सबसे पहले तो टाइटल की बात करते हैं माई के लाल रुद्र जी। माई के लाल रुद्र मतलब एक चैलेंजिंग है चैलेंजिंग कैरेक्टर होकर जीवन में जो चैलेंज आते तो ओला को माई के लाल ही पूरा कर सकते जी। तो वो कर सकती है का नाम माई के लाल रुद्र रखे गए। अपन डायलॉग है ना सर बोलता ना कौन काकर माई के लाल है रे वैसे टाइप है कोई माई के लाल जो मोर से मुकाबला कर सके मुकाबला करना ही है सब में जी। तो ये वाले है कर और कहानी जो है बाप बेटा के रिश्ता के ऊपर है माँ बेटा के रिश्ता के ऊपर है और प्रेमी प्रेमिका के त्याग तपस्या कहानी है। तो कहानी कुछ हट के है और सबसे बड़े मेन ये फिल्म के कहानी छे जो अलग हटके है हमारे कर ऊपर बना है कि जैसे चल छत्तीसगढ़ी फिल्म में चला था कि बहुत सारे फिल्म लेकिन बाप बेटा के रिश्ता प्यार दिखाए गए माँ बेटा के रिश्ता दिखाए गए तो ये अलग हट के अमन करे हमने फिल्म में। डायरेक्टर साहब आप थोड़ा मतलब बताओ कि छत्तीसगढ़ी पिक्चर आप पहली बार करा था वो और लगातार आप टीवी एक जो है उप दुनिया में हावो मुंबई में हावो लगातार और ये जो स्टोरी लिखे गई जो कहानी आप पिक्चर बनाते हो ये कैसे टाइप लगे इसकी पिक्चर बनाना चाहिए इस टाइप के काबर की छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में लगातार एक ही कॉन्सेप्ट की पिक्चर ना शुरू से आते एकदम वही वही देख पे देखता कि जो आप नया टेस्ट लेके आओ ये कैसे लाओ। तो जैसे कि आप मन बताया कि मैं मुंबई में हूँ तो मैं 20-22 साल से मुंबई में इस्टेब्लिश हूँ जी और बहुत सारा मैं सीरियल करे हूँ अपन देखे हुई है गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा जिंदगी की महक पिंजरा महाकुंभ और सरस्वती चंद्र इस मोड़ से जाते हैं रंग जाऊँ तेरे रंग में ऐसे सब बहुत सारे गौना ये सब सीरियल मैंने किए हैं बाजी इश्क की जी। तो वहाँ मैं डायरेक्टर हूँ तो आज 10-12 साल से मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्शन देता हूँ। तो बम्बई में और अच्छा काम चला थे मैं लेकिन बिलासपुर के हूँ बिलासपुर का रहिया हूँ और बिलासपुर में रतनपुर भी फेमस सुने हुए माँ महामाया के मंदिर है तो उधर से 12 किलोमीटर दूर सिल्ली परसदा गांव के हूँ मैं। अच्छा जन्म वन्म सब ऊँचे हुए सब हुए हुए हैं प्राथमिक शिक्षा हुए हुए हैं बाकी फिर बिलासपुर में हुए हैं। प्योर छत्तीसगढ़िया हो आप? अरे एकदम एकदम मुंबईया नहीं हो सके? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। वो तो मतलब क्या है कि आदमी अगर जिन बचपन पढ़े लिखे प्राथमिक शिक्षा जहाँ हुए है वो अंदर बस जाते हैं कई जन नाटक करते हैं भूले के हाँ। वो जे ना जाते हो कभी भूल नहीं सके जैसे मुंबई चले गए अब तो आज तुम विदेश चले जाओ हाँ। नहीं माटी की मजा नहीं भुलाए और माटी के सुगंध और माटी के बोली नहीं जाए जी। नाटक करी तेन बात अलग है बात अलग है करते कई जन करते आप मन स्टोरी सुने ददल नहीं पहचाना है तो फिर वो तो भाषा तो अलग बात है बहुत जल्द। तो फिर ये बीच में मैं ये सीरियल वीरियल करत रहा
मतलब चलते अभी तो मैं वहीं हूँ जी। तो ये दीपक कुमार जी से मोर मुलाकात हुई कोई दोस्त के थ्रू, इला मोर बारे में पता चलीस मोर दोस्त के थ्रू, तो ये संपर्क करीन फिर बताइन ओ टाइम तो माहौल बहुत अच्छा, मतलब इमेज नहीं रही से छत्तीसगढ़ी फिल्म के कि अब 50 फिल्म बना थे तो दूठो चलत है, दूठो चलत है तो हाँ। तो लेकिन इखर जब सारा ट्रेंड चेंज हो गए है हाँ, अब पिक्चर बन चलत जात लोगन देखा थे और माहौल एक छाली उठ के वापस आते है जी। नहीं वो अभी तो ठीक है माहौल जी। तो वही फिर वो स्टोरी जब मैं देखे हूँ पढ़े हूँ तो मतलब बहुत अच्छा लगी, बहुत एक्साइटिंग लगी, तो मैं बोला जरूर करबो अमन पिक्चर मैं, और मैं मतलब मैं अब अगर मोर सीरियल वीरियल करा तो नाम है तो मैं अगर छत्तीसगढ़ी फिल्म करूँ तो मोरो नाम नहीं खराब होना चाहिए। हाँ, पहली तो, तो वैसा स्टोरी मिली जी। सर कहानी लिखे कौन है? कहानी ये है जो उन कहानी की उत्पत्ति हुए है अपन का नाम होगा सब भोजराम वर्मा जी, 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 जी। बहुत साधारण से आदमी बेचारा सीधा साधा आदमी है जी। लेकिन वो बहुत बढ़िया कहानी लिखे है, उखर बाद स्क्रीन प्ले में डायलॉग में और कई जन है जी। हाँ, बाकी रियलिस्टिक लगी अगर कोई कहानी पिक्चर देखी तो मतलब अपन फील करी कि हाँ यार गाँव की कहानी इस टाइप है। बिल्कुल बिल्कुल सबके अपन कहानी लगी कि एक घर घर के कहानी लगी, अपन कहानी लगी कि वो जो बाप बेटा के रिश्ता, माँ बेटा के रिश्ता, और जैसे कि हम चर्चा करते रहे कि रुद्र जो माई के लाल चैलेंजिंग दमदार और ऐसे ये करने वाला, लेकिन ओखर दो पक्ष है जी। नारियल जैसे कि बाहर से सख्त है बहुत, लेकिन अंदर में खुरहुरी हवा है नरम वाला जी। तो वो पानी तको हवे, पानी तको हवा है, तो वह माया दुलार प्यार के वहूला जरूरत है, वहूला रिश्ते कदर है, वो एक इंसान है तो वो भी पक्ष है, तो दोनों चीज के सामंजस्य है। तो आप मतलब ये मतलब फिल्म में कंप्लीट पैकेज मिली जी कि एक्शन और क्या बोलते हैं इमोशन भावना सब भावनात्मक सब चीज़ मिली, कॉमेडी बहुत अच्छा है, सेवक राम यादव जी हमारे में कॉमेडी करे है। हाँ, डॉक्टर के यूट्यूबर वाले डॉक्टर हाँ, मैं ट्रेलर देखे हूँ वही है ना जी। वो का इलाज तो यूट्यूबर वाले डॉक्टर सर मतलब समझिए बोला वो मतलब वो है कोई कॉलेज वॉलेज नहीं गए अभी नहीं ज्यादा नहीं बता सकूँ फिर भी मतलब बता दे रहा हूँ थोड़ा सा ताकि लोग देखे पर आ जाए। हाँ वो खर इलाज के अपन स्टाइल है बिल्कुल एकदम अनोखा स्टाइल है। थोड़ा हल्का फुल्का बताओ ना थोड़ा सा हल्का फुल्का थोड़ा सा इंजेक्शन अंत लगा दे ना या इंजेक्शन अंत तंत्र नहीं लगाए हाँ। वो हम मतलब जो है ना गोली ला खिलावे नहीं हाँ। हाँ। गोली खवाए नहीं मतलब घुसा देते नहीं वो गोली लाओ पिलाते, अब कैसे पिलाते अब वही जाना है अब यूट्यूब पे टेक्निक सीखी हो सका थे मतलब गोली लाओ इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में डाल दे वो कैसे डाली वो देखेल पड़ी यूट्यूबर डॉक्टर मतलब वाकई में टेक्निक सीख सीख के वो साइकिल चल बढ़िया। अच्छा आप चर्चा करें तो एक दो चीज और मैं बता दूं फिल्म के बारे में थोड़ा सा कि अब आप बोले थे कि सब बोलते हैं अपन हट के पिक्चर है मोर हाँ। हट के अब बम्बई डायरेक्टर आए तो कैसे का, लेकिन ये सही में पिक्चर में कुछ चीज़ें हैं जो हट के है जी। और मतलब बहुत दावा के साथ हम कह सकते हैं कि एक पूरा गाना वीएफएक्स के गाना है माँ, गाना बोल है कि सपना मायत है और अभी मिलियन प्लस बधाई हाँ, मैं उकरे पर बधाई देने वाला रहा भारी 10 दिन 15 दिन साथ 10 दिन में मतलब मिलियन प्लस यूज हो गए होगा और बहुत बढ़िया बन गया। हम बोला सब बोला था हम तो नहीं बोला था दर्शक मन बोला सुनैया मन बोला थे कि ये छत्तीसगढ़ के बाहुबली सॉन्ग बने हैं हाँ। ऐसे अच्छा तो गायला पड़ी गाना कौन गई तुम्हें तीनों जन सोच लो नहीं गाने मन ये मन गाही ना खबर की अतक अच्छा गाना है जो लगातार व्यूज आ तो मैं मिलियन पार हो गए तो इसने छोड़ी नहीं हमारे दर्शक मना वो मतलब गाना सुनाया पड़ी। हाँ दूसरा अब जैसे बताया हीरो दमदार हीरो है अपन मतलब स्टोरी माइक लाल नाव है जी। तो एक भालू फाइट भी है हीरो भालू के फाइट भी है माँ जबरदस्त हाँ। ये भी पहली बार हुए है अच्छा। तो वो भी आप मतलब देखेल मिली बाकी तो जैसे मन बताई ना कि कहानी गाना कॉमेडी सब कुछ नया है जी। तो हमार मतलब बिल्कुल मनोरंजन के फुल गारंटी है हिमा जी। अब गाना ती गावे तुरंत शुरुआत वहीं से करबो करबत बात में बात करबो गाना शुरुआत कर दो भैया दोनों गा दो जी। सबसे पहले देखैया मल्ला जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो आप सब बोला जोहार करत हो प्रणाम करत हो और भैया दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे पूरा टीम ला यहाँ बुलाए है और आप सबों से गुड बात करे की मौका दे है और गाना मैं सबसे पॉइंट वाले बात सर बताया पर बुलाई है 10 मई को पिक्चर आते हैं न तहु बोले न तहु बोले न महु बोले हो न अब ये बोला था ही बोल दे 10 मई को सब बोला जल्दी मंत्र दे दे लिख भी दी है लेकिन हाँ तो वही हाँ तो संगवारी वो मैं यही बताना चाहता हूँ कि 10 मई हाँ जी 10 मई अवैया 10 मई को हमारे एक बहुत सुघर फिल्म आते जेकर नाम है माई के लाल रुद्रा जेकर पूरा कास्ट हमार आए है और भैया ला धन्यवाद क्योंकि साथ माँ हमन ऑडियंस से गोट बात करत हन
और गाना मैं अकेला नहीं गाऊं, अपन साथ में अपन हीरो लवी गवाओ। हां हां हम तो सिंगर नहीं हूं नो वन, हाँ। लेकिन कोशिश करते हैं जज जन करूंगा। हिम्मत की आवाज अच्छा लगा था, मतलब हिम्मत की आवाज, लेकिन सिंगिंग में ट्राई कर सकते हो, सिंगिंग ट्राई क्यों नहीं कर रहे हो जी? एक्टिंग करने चला, एक्टिंग टीचर थे, हां एक्टिंग के दुकान पे चले थे। सही है सही है। हां तो संगवारियो गाली झन दूं बोला, गाना सुन एक बार। सपना में आए ते धड़कन बन के मोर, दिल के ठिकाना ला कर दे ते अंजोर। चंदनी बन हूँ मैं माया के आगास मा, ली जा दीवाना मोला मोला वही चांद मा। जुगनू बन जाऊं मैं गोरी तोर प्यार माँ। वाला जो लाइन बोले थे दुर्गेश नहीं, आजकल बहुत फेमस है इंस्टाग्राम में, अपन देखिए दुर्गेश नहीं करके तो अपन बढ़िया बोलते हो, बट करके बोलते थे वो भी लगी से बढ़िया है वाकई में। तो ये इंस्टाग्राम में लगा था रील भी बनते गाना में, मैं देखा था कि बना था। आज देखे मैं 1.5 लाख सुपर चले गए रील का, 1.5 लाख 1.5 हजार सुपर रील। अच्छा एक गाना लगा था, हम देखे सामने में आए, सामने में पहली बार अपन देखू की मैं अपन हीरो ला बहुत परेशान करे अभी तक जो कहानी होती है, लड़का पीछे पड़ते हैं, लड़की पीछे पड़े वाले कहानी है बहुत सुघर, बहुत सुघर कहानी है। जब मैं खुद सुने रहा हूँ तो मैं खुद मोला एकदम बोलते ना कि एक इमोशनल हो गए रहा हूँ, खबर की एक पिता पुत्र की कहानी है जो मन के बीच के एक बॉन्ड रही थे, कहते कि पिता जो पूरे परिवार के संरक्षक होते, कोनो मुसीबत आते तो सबसे पहले पिता खड़े रहते, लेकिन फिर भी वो अपन बीवी से, अपन पुत्र से, अपन बेटी से कभी ऐसे कह नहीं पाए कि मैं तोर से कितना प्यार करता हूँ या मैं तोर पर कितना सोचता हूँ। तो वही कहानी है, वाले पार्ट अभी तक कोई देखे नहीं है, हाँ, पार्ट दिखाया है पिक्चर में। बिल्कुल वही पार्ट ला दिखाया है कि एक पुत्र है अपन पिता से कितना प्यार करते जो बोल नहीं पाए, और एक पिता अपन पुत्र से कितना प्यार करते, वही के इर्द गिर्द पूरा कहानी है। तोर से प्यार करी नहीं करी से ले बता नो नहीं। अरे मैं तो पटाए हो वो देखे पर तो आप मन टिकट कटाला पड़ी, और छत्तीसगढ़ के जम्मो सिनेमा घर में लगाते तो आप मन सब जगह जा सकते तो देख सकते हो। डेट ला याद रखू 10 मई। प्रोड्यूसर तक वो हीरो है, हीरो तक प्रोड्यूसर है, माइक तरफ अपने पास रखे रहा। हाँ। तो मुझे ये बता कि पिक्चर पर कतक मिली से माल पानी सबसे बड़े सवाल जी। मिल गए संगवारी हो, खर्चे पानी पर मिल गए है। लोग सवाल करते कि भैया आप ये सवाल पूछे करो, और जवाब बोला आज तक कोनो हीरो हीरोइन दे नहीं पैसे कि कितना वाला फीस मिले है। अब पता नहीं मन काबर नहीं बताया, बात अलग है, रहस्य खुल जाएंगे अभी। अगर पता चल जाएगी तो जो प्रोड्यूसर है वो नाराज हो जाएगी, और पता चल जाएगी तो जो अगला प्रोड्यूसर है वो पता चल जाएगी। और संगवारी सबसे बड़ी बात बताओ, क्रोनोलॉजी समझो कि सबके एक दूसरे से बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात बता दो संगवारी हो, दूसरे मन के प्रोड्यूसर कहाँ होते ना, उती बैठी रहते तो फिर बोल सकते, लेकिन मोर तो सामने बैठे तो मैं कैसे बताऊं। हीरो तक वही है रे। हाँ हीरो भी वही है और प्रोड्यूसर भी वही है, तो मैं नहीं बोल सकूं। मिल गए खर्चा पानी, मिल गए मोर पेट्रोल पानी वानी हो गए, खाए पिए पर मिल गए, अपना चल जाए, चाय नाश्ते पर हो गए, अपना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी इस पिक्चर के जो गाना वगैरह कब सब कहाँ फिल्माए गए हैं, पिक्चर कहाँ शूट हुई से फिल्माए कहाँ गए सब? एक पूरा शूटिंग जो हमारे, अब छत्तीसगढ़ी पिक्चर है भैया तो छत्तीसगढ़ में हमारे पूरे संस्कृति ला मस्त दिखाबो, सुंदर सुंदर इतना सुगर सुगर गांव है हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में। तो कोही एक गांव है जो पाटन साइड पड़ता है, शिव मंदिर वाले नदी किनारे, बहुत बहुत सुगर गांव है और बहुत ज्यादा फेमस भी गांव है, काबर की उमर एक शिवलिंग स्वयंभू है, स्वयं से निकले शिवलिंग है और उकर कद दिन ब दिन बढ़त जात है, बहुत फेमस मंदिर है। रिनोवेशन भी हो गया साहब अब तो, हां अभी बहुत बहुत जी बहुत सुघर बन गए हैं। और वहीं पर आसपास पूरा शूटिंग करे हैं। सबसे खास
सबसे खास बात जो मुझे लगी इसकी, शूटिंग के पहले दिन भी हमन भगवान शिव मंदिर से स्टार्ट करे हैं, शूटिंग के आखिरी दिन भी शिव मंदिर में ही आशीर्वाद ले हैं, और मूवी के नाम में भी भगवान रुद्र के नाम है। तो मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत पूरी कृपा है। और संगवारी हो, बस आप मन ला आना है और अपन आशीर्वाद देना है। दीपक जी बोला बताओ कि आपकी पहली पिक्चर है, पहली आप कौन कौन से काम कर चुके बोला बता दो। बोला मैं ऐसे दो फिल्मों को कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब सेकंड लीड में रहा हूँ, छोटे छोटे फिल्म रही जी। और इसे मैं कॉलेज वॉलेज में थिएटर कर रहा हूँ, मैं डांस के बहुत शौकीन हूँ मैं। अच्छा, डांस वांस में जब भी वो उतरते हैं तो मैं अवार्ड लेके आया हूँ, और मोला मौका नहीं मिला तरी, सही बात बताऊँ तो मैं। हाँ। तो जैसे अभी आप दर्शक मन देखा थे कि यही हीरो है, खुद ही प्रोड्यूसर है। हाँ। अपन पैसा लगा खुद बन गए। हाँ, एक सवाल करी लोगों ने। हाँ, जरूर रही थे ना, पर आप मैं दर्शक मन बताना चाहता हूँ कि प्रोड्यूसर बनना बहुत टफ काम है। कोई मतलब आदमी है बिल्कुल, अपन मोला देख के अपन ने डिसीजन ले लू कि यार खुद पैसा लगाऊँ और पूरा तेल निकल जाए, बताता हूँ मैं है ना। तो ऐसे नहीं है, मैं पहले दो बार काम कर चुके हूँ, मोला अच्छा काम करना रही, मैं चाहता हूँ अच्छे तरीके से काम हुए, अच्छा डायरेक्शन हो, अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छी कहानी मिले आए दर्शक मन पर। देखे सती मैं ये प्रोड्यूसर बन के आया हूँ मैं, तो वो अब दर्शक मतलब देखे पर मिली कि अमन कहाँ नया करे हम। लेटर साहब, आप बोला बताओ कि करमन के सेट में कैसे रहा है माहौल, मतलब ये दोनों के ट्यूनिंग केमिस्ट्री किस तरीके से पिक्चर में दिखेल मिली हुई, लेकिन ऑफ कैमरा वो केमिस्ट्री किस तरीके से करमन के, और कौन लेट आया कौन जल्दी आया यहूल बता दो, और कौन ज़्यादा माहौल बनाया रहा यहूल बता दो जी। याद आते कुछ पल? बिल्कुल, कुछ पल हुई। मतलब अब अक्सर सुने हुई है कि मतलब हीरोइन ज्यादा लड़की ज्यादा टाइम लगते तैयार हुए। हाँ, वो तो लेट आते के मामले में कोई टिप्पणी करना भी नहीं भैया, लेकिन नहीं बिल्कुल कर सकते हो। हाँ। लेकिन यहाँ उल्टा रही से। अच्छा, हीरोइन पहले आ जाती रही से और हीरो थोड़ा सा लेट हो जाती रही से। हाँ। तो हाँ बताओ भाई, काहे लेट होत रहे हो? अब जैसे आप मन मतलब देखा तो फिल्म के नाम माइक लाल रुद्र है ना। हाँ। तो उमा एकदम बॉडी शॉडी चाहिए, तो सुबह उठ के पहले आधा घंटा अपन शरीर ले दो है ना। हाँ। तो टाइम लग जाता रही जी में, टेकरे से हो कोई कारण नहीं है, बॉडी शॉडी दिखना चाहिए पिक्चर के। अलग से बॉडी वॉडी बनाए हो आप? बहुत मेहनत करे हूँ मैं, वो फिल्म बिल्कुल जरूर देखी। बॉडी वॉडी दिखा ना पिक्चर में तो एकदम जी जी। तो और भी अतलंगी टाइप के सीन बताओ ना वहाँ पे, शूट में बहुत कादरी से। नहीं, शूट तो जैसे अब मतलब मोल लिए तो बहुत अच्छा माहौल रही से, और के अब बंबई में जो सीरियल करें हम जी, सीरियल जो होते डेली सोप, तो वहाँ बहुत हॉच पॉच होते, बहुत स्टूडियो तो पूरा सेटअप रही थे, सेटअप रहते बहुत टेंशन रहते, रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है। हाँ, डेली शूटिंग करना है फटाफट, वहाँ सोचे और वो सबके टाइम नहीं है जी। तो वहाँ सुबह आके 9 बजे से ही कि हाँ ये तैयारी करो, वो तैयारी करो, ओला बुलाओ, ये रखो, ये करो, वो करो, आर्टिस्ट कहाँ उसको ये करो है ना। लेकिन यहाँ ये है कि एक तो टाइम पे सब हो जाता रही से, और इतना फिल्म है तो फिल्म के अच्छा से हम प्लानिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो अच्छा सा सब काम हो गया जी। सर, टीवी सीरियल से जुड़े हो आप, डायरेक्टर हो, लगा सा पिक्चर वो बना हो, तो बोला आपसे एक सवाल करना है, जो टीवी एवं सीरियल आते हैं तो वो शूट कब होते और कब रिलीज करते, मतलब कितना दिन लगते सब में? नहीं, अब वही मैं बताया, अभी तो ज़्यादातर जो सीरियल है वो वीकली में मतलब 5 से 6 दिन है लगातार शूट होते, नहीं 5-6 दिन लगातार आते। अच्छा, हाँ 5 दिन गिरते। हाँ, तो अब मिनिमम कम से कम 22-23 मिनट के एपिसोड होते जी, तो लगभग मतलब रोज शूटिंग होते। और तो बैकअप मतलब बहुत नहीं रह पाए। अब जैसे ज्यादातर सीरियल जब शुरू होते तो शुरू में 1-1.5 महीना पहले शूटिंग शुरू होते, देर लगते, लेकिन शुरू में थोड़ा सा जमा टिका के काम होते, बाहर जाते हैं, आउटडोर जाते हैं, आउटडोर वाले है ना, बाकी तो बाद में स्टूडियो में ही चालू हो जाते, तो मत थोड़ा सा टाइम लगते कि 1 महीना में 5-10 एपिसोड हुई। एक बार जहाँ टेलीकास्ट चालू हुई तो सप्ताह में मतलब 6 एपिसोड निकल गए, तो 10 एपिसोड भी बना रहे तो 6 तो गए, 7-8-9 मतलब फिर वो ऐसे हो जाते कि मतलब वही जैसे बताया कि कल के टेलीकास्ट है, आज शूटिंग है। अरे बाप, ये भी हुए? आज के टेलीकास्ट है, हम सुबह शूटिंग कर रहे थे, दोपहर तक कर रहे थे एडिट तब शाम शाम वो एक एक कभी कभी तो वैसे होते कि एडिटिंग सब वहीं बुला लेते, नहीं तो फिर एक रनर के एक पोस्ट है वहाँ। अच्छा, एक सीन खत्म हुई तो टेप लेके भागीस तत्काल, एक टीम खत्म हुई तो फुटेज लेके भागीस
लेकिन एक ही एक तो हमन सीरियल में चीज देखथन कि जैसे कुछ बात कह दीस हीरो हा हीरोइन कुछ बात कर दीस ओकर बाद मतलब एक लाइन बात कहे में मतलब एपिसोड खत्म हो जाते कई बार ये अलग से तय कर दो कि यार ये चीज यहाँ रखना है इतना बार म्यूजिक देना है बार बार चेहरा भी दिखाना है ये किसे कर दो तो ये तो सब एक तो अभी तो पोस्ट में भी काफ़ी इफेक्ट आ जाते जी। दूसरा हमन शूटिंग के दौरान जो इम्पोर्टेंट चीज़ है तो हम वहाँ क्रेन यूज़ करथन ट्रॉली यूज़ करथन जूम यूज़ करथन कौन से पार्ट में इम्पोर्टेंट हाँ हाँ तो अब वो बोली सोकर बाद जूम ऐसे ट्रॉली गई तो वहाँ म्यूजिक फ्लेवर जगह दिए जाते अच्छा तो जिन्हें हम बोला बोलते हैं बिल्डअप शॉट बोलते तो बिल्डअप बहुत रहते हैं और अभी तो ऐसे हो गए कि मतलब डायरेक्टर तो 50% देते और 50% से ज्यादा 100% तो एडिट में हो जाते हैं। अच्छा अच्छा जूम जाम जाप आजकल तकनीक के जमाना आ गया। पिक्चर में जो टेक्निक कौन कौन से यूज करे आप पिक्चर माइक ला लियो पिक्चर के देखा मैं वही कल भी मैं बात करता रहा कहीं तो वही बताया कि पिक्चर के थोड़ा सा अलग होते कि अब डेली सोप है जो सीरियल है रोज एक बार आइस खत्म हो गए देखे खत्म हो गए लेकिन पिक्चर ये है कि आजीवन होते हमेशा आदमी देखी और ये करी और दूसरी चीज बेसिक फर्क ये है कि सीरियल तो घर में फ्री में देखा थे आदमी बैठ के टीवी में एक हर बार पैसा दी जी तो बहुत जमीन आसमान के अंतर है तो हम एमा बहुत बड़े कैमरा यूज करे हैं रेड ड्रैगन कैमरा है अल्ट्रा प्राइम लेंस है जिन बम्बई में पिक्चर बड़े बड़े शूट होते वही हम एमा कैमरा रखे हैं जी। और बाकी सब जो भी मतलब चीज वो प्रोड्यूसर साहब जैसे बताया प्रोड्यूसर साहब तो हम लोग कोई कमी नहीं रखी कमी से। नहीं रखी से। हाँ तो हम वहाँ किसी प्रकार कोई कंप्रोमाइज नहीं करे हैं जी। हेमा आप बोला ये बताओ कि रियल लाइफ में हेमा शुक्ला की क्या कहानी है पिक्चर में तो आपकी कहानी लगातार दिखा रही थी चाहे गुइयां हो चाहे और भी बहुत सारे पिक्चर है रियल लाइफ की हेमा शुक्ला की कहानी का है कुछ नहीं है संगवारी हो एकदम आप जैसे ही नॉर्मल लड़की नॉर्मल घर से आए हो मिडिल क्लास फैमिली से आए हो बस हाँ सपना बहुत बड़ा बड़ा रहीस बस वही ला पूरा करत हो और मुझे लगता कि आपके अगर फैमिली बहुत सपोर्टिव होते तो आपके जो स्ट्रगलिंग वाले जर्नी होते थोड़ा आसान हो जाते कि हाँ अगर आप मन बार बार गिरूँ बार बार असफलता हाथ लगते कोनो चीज़ सही नहीं होए तो आपकी फैमिली के बहुत सपोर्ट मिलते आप मन ला तो फिर आप मन सोचते कि अरे कोई बात नहीं एक बार और कोशिश करथन बहुत सिंपल लाइफ है आप जैसे हो एकदम दाल भात खाते हो भोरे भासी खाते हो मस्ती करते झूठ बोलते सिंपल कहानी यानी कि पिक्चर में का रियल कहानी भी है नहीं रियल वाले हेमा शुक्ला तो संगवारी हो एकदम चुलबुला होना चाहिए ना आप देखो अभी इतनी चार जन बैठे अगर चार जन एकदम सन्नाटे में बैठ जाए तो फिर कहाँ के एंटरटेनमेंट हाँ थोड़ा भी रहना चाहिए होना चाहिए थोड़ा बाकी कहाँ जन्म वन्म कहाँ स्कूल कॉलेज वॉलेज मैं मोर जन्म भी रायपुर में है हुए है और मैं बचपन से रायपुर में ही रही हूँ और मैं पढ़ाई भी रायपुर में करे हूँ पूरा रायपुर में रही थी अब घर वर नहीं बताऊँ मतलब पता है आप मन पहुँच जाऊँ बाकी इंस्टाग्राम में आज भी दिन भर मैसेज ऐसे अरे बहुत अभी हमारे पिक्चर गुइया अरे सोकर बात तो भाई मोरी स्कूटी भी कहीं दिख जाए ना तो लोगन मन रहते दीदी आ गए घर जाते हैं अभी एक हाँ मतलब बहुत मन लड़की लड़की मन रही थे ना मन भी एकदम अच्छा लड़की वाला हाँ, लड़की में तो दी बोली और लड़का मन तो अरे हिमा हिमा ये गुइया जाते ऐसे टाइप की हो गए है लेकिन ये आप सबकी माया है दुलार है जो आप मन मोला दे हो और मोर बर बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना कम उम्र में मैं आप सबों के माया पाए हूँ और इतना कम उम्र में मोला इतना सब कुछ मिले है तो जेकर बर दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ भैया के चैनल के माध्यम से ये सही सात भाई कोट डाल पाई नहीं डाल पाई आए नहीं होटल लिस्ट नहीं मिल गए हैं संगवारी के बार उठा ले बता फिर उनके सबसे मन निकाल ले वो नहीं तो एक दरिदारी पहली बार डालू लास्ट टाइम तो बने हैं अच्छा ठीक है लास्ट टाइम ठीक से अभी कॉलेज विधानसभा चार महीने पहली हुई से कॉलेज करा था अभी छोटे कौन से कॉलेज है हरिशंकर कॉलेज बहुत बढ़िया लेकिन बहुत जन जाऊंगा नहीं नहीं कॉलेज वाले प्राउड फील होना चाहिए हेमा शुक्ला हमारे कॉलेज नहीं नहीं बहुत और इस कॉलेज की भी बहुत सपोर्ट है मोर टीचर मन के बहुत सपोर्ट रहते थे कि अगर काम वाम है तो जैसे मोर कभी कभी अटेंडेंस कुछ कम हो जाते तो मैनेज कर लेते ज़्यादा होते तो पैसा ऐसे मांगते लेकिन कम होते मैनेज कर ले और नोट्स वोट्स में भी बहुत सपोर्ट रहते अच्छा ऐसे कोई फैन मिली आप जिंदगी भर हमेशा याद रखना चाहो कि यार ये फैन जो है बाकियों से अलग है बहुत कुछ रहे थे भैया बहुत कुछ एक तो मिले रहे सो हा बेचारा टी शर्ट में पूरा एकदम फोटो छपवा के आए रही बेचारा हा और भारी माया करत हुई बहुत बहुत मतलब माया नहीं बोल सकते आशीर्वाद बोल सकते हाँ, प्यार आशीर्वाद हाँ, कि आपको इतना प्यार मिला थे पब्लिक मन के कि मतलब अब आप
मतलब बहुत आप पब्लिक आप मन में रुचि दिखाते कि वहाँ इंटरेस्ट है कि आप का करते हो, का खाते हो, कैसे रहते हो, का पहनते हो, कहाँ जाते हो, का करते हो, का फोटो डाले, का वीडियो डाले, का कमेंट आवत है, का कमेंट आते है, और अगर मैं कुछ बोलूँ तो ला ध्यान से हाँ दीदी जरूर करबो, हमन मिले बार आबो, जैसे हमन मीटअप की भी डाले हैं तो वहाँ बहुत कमेंट आए राजनांदगांव नानगढ़, मतलब ओती ओती से भी लोग बोला थे कि आना है हमन ला। एक आध सर कोई गाना वाना कुछ गुनगुना सकते हो पिक्चर में कुछ आया हो ही जेला डायलॉग? हाँ अरे भारे बॉस डायलॉग की बात तो हम भूले गए, कबर की ट्रेलर देखे हो शुरुआत से डायलॉग और आखिरी वाले थोड़े ज़्यादा खतरनाक है। डायलॉग तो मैं सुना था लेकिन उगर से पहले एक किस्सा जरूर बताता हूँ मैं फिल्म के, मतलब बोला मतलब याद रही इस मतलब मतलब हमेशा याद रही। फिल्म में एक सीन रहे थे कि जो फिल्म में मोला जो मोर पिताजी के रोल करे मतलब मोला पाले पाले पोसी से मतलब मोला गोद ले रही जी कहानी बोला बता गोद ले रही से ओके बॉस नहीं नहीं तो नहीं हल्के से लीक हुए नहीं बिल्कुल लीकेज नहीं है ना लीकेज नहीं यही सस्पेंस है। हाँ। पिक्चर में हर 10 मिनट में आप मतलब कहते हैं नया नया कुछ मिली अच्छा फिर से कोई आदमी अंदाजा नहीं लगा सके ये बिल्कुल नहीं है मतलब बता दे ना तभी बताया मैं अभी सस्पेंस और बचे सस्पेंस है बहुत सस्पेंस है मतलब सरप्राइज है सस्पेंस नहीं सरप्राइज है। तो ओला गोली लगते जैसे मोला पता चलते तो पुजारी बताते भी आपके पिताजी लग गोली लग गए अब मोला दौड़ के जाना है अब मोला डायरेक्टर साहब दौड़ा दिस बोले दीपक दौड़ा नदिया सब जगह बस बस वो बार बार 10-15 टेक दौड़ा दौड़ा एकदम थक गए मान अच्छा दौड़ गर्मी के दिन रही है ना अब थक गए वो अलग चीज़ है अब वहाँ पे जो कई बार क्या होते वो इम्प्रोवाइजेशन बोलते हैं ऐसे डायरेक्टर सब भाषा में जी डायरेक्टर मोला बोली इसकी भैया आप वो जो तोर पिताजी ना ओला कंधा में उठा बाकी दौड़ना भी है 10 बार दौड़ चुके हैं हाँ, उठाना भी है कंधा में उठा ओकर वजन रही कम से कम 75 किलो अरे बाप रे और जमीन से उठाना रही हाँ ओकर बाद ना वहाँ पे कम से कम 30-40 दर्शक मतलब गांव के जो माहौल शाहरुख जनता मन वो सब खड़ रही मैं बोला यार ये तो अब नहीं उठाऊँ तो इंसल्ट हो जाएगी नहीं उठा पाऊंगा हीरो है उस हीरो तो मैं बोला अब आओ तब देखे जाए और अगर मतलब वो सामने नाली रही नाली के ऊपर ऐसे टीना के पट्टा लगे खेत के बीच खेत के बीच मेड़ में तो फिर मैं जय भोले नाम ले उठाया हुआ इसे और बाद में सीधे नाली क्रॉस कर रहा हूँ तो जद का भी दर्शक मन रही ना सब ताली बढ़ाया बस पिक्चर बोला बस ये तो ये मैंने हमेशा फिल्म में याद रही बोले आप मन क्या सवाल पूछे डायलॉग गाना तो हो गए गाना डायलॉग ये एक है जो ज़्यादा फेमस होते डायलॉग बोला बताता हूँ मैं वसूली वाले काम में जी जेब झाड़ के देता हूँ और पिछवाड़ा फाड़ के लेता हूँ जेब झाड़ के देता हूँ और पिछवाड़ा फाड़ के लेता हूँ वसूली कर देता हूँ हाँ। नहीं देना हाँ। फिर होकर डायलॉग मारते हो नहीं सामत आगे फिर तो फिर वाकई रुद्र है और रुद्र नहीं एग्रेसिव थोड़ा सा रोल लिखे हुए जी चलो ठीक है तो लगता है कि बातचीत लगभग पूरा हो गई बाकी पिक्चर देखे एक बात सब बताइए अभी सब बोल बता डाली पिक्चर आप नहीं देखूँ मोहम्मद नहीं देख पाऊँ तो कुछ ना चीज़ बचा के रखते हैं और जब पिक्चर हो जाए रिलीज आज ही 10 मई को रिलीज हो जाए उसके बीच में वो गोट बात करबो पिक्चर की समीक्षा वगैरह कोशिश करबो खबर के चुनाव है 7 तारीख तक लगातार रही और आप सबो जन से अपील है आप सबो जन अपील कर दो कि भैया 7 तारीख को अपन अपन वोट ला जरूर डालो जेला पसंद है ओला धो कोई दिक्कत नहीं लेकिन वोट जरूर डालो जी बिल्कुल ये महापर्व चला थे लोकतंत्र के तो मैं हिस्सा लेना है और 7 तारीख के वोट डालना है जो भी जोखर पसंद होए और 7 तारीख के बाद आप मतलब 10 तारीख के 10 मई के शुक्रवार के दिन पहला शो देखना है माइक लाल रुद्र के अभी चुनाव में आप मन हो तो एक शब्द बड़ा चला थे गारंटी वाला जी। तो हम गारंटी देथन कि आपके फुल मनोरंजन हो आप ये रुद्र की गारंटी बोल दो आप रुद्र रुद्र गारंटी है कि आप लोग पिक्चर जरूर पसंद आई तो एक बार जरूर आओ जैसे आप मन चुनावी सभा और मतदान और मतलब सब जगह जावा था मतदान करे जा गुरुजी हाँ नहीं धूप में निकला तो इसे पिक्चर भी निकल लिया हम लोग माया दुलार दी है और निश्चित रूप से पिक्चर आप लोग बहुत पसंद आई याद रखिए 10 तारीख चुनाव के बाद जम्बो भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ता सब आराम करे आराम करे जगह एक दिन पिक्चर चलो चल दो तो और इलेक्शन लगी अब चुनाव के वक्त है चुनाव के समय में भारी ना जो भी भाजपा का मतलब पार्टी का नाम ले लो दर्शक मन कांग्रेस तक बोल दे दर्शक मन ला खूब नोट झोंकते हो आप मन तो 7 तारीख के बाद 10 तारीख के खर्चा करना आप मन ला तो आप मन के 10 तारीख के अगोरा है
आप मन जरूर आओ, अपन माया दुलार दो जी। हिमा जी, आपको एक बार थोड़ा अपन ऑडियंस वाला बोल दो। हाँ तो संगवारियों, बस यही बोलना चाहता हूँ कि अपन देश की सवाल है तो वोट आप सब बोला जरूर देना है, जौन पार्टी पसंद है ओला दो, और ये बात के ध्यान रखूँ कि हमन अपन राष्ट्र पर एक अच्छा और सही नेता चुनना है, तो आप सब जन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाके वोट दूँ। लेकिन वोट दे के बाद सूतना नहीं है, 10 तारीख के प्लानिंग करके रखना है, पिक्चर देखे पर आना है। छत्तीसगढ़ के जम्मू सिनेमा घर में लगा थे, आप मन के नज़दीक ही, अगर नज़दीक में नहीं गए थे तो दूर वाले में भी भर भर के ट्रैक्टर भर भर के जाना है और हमारे पिक्चर ला देखना है। सुरता रखूँ 10 मई के माई के लाल रुद्र, और ज़रूर आहूँ, और अभी मीटअप भी है, उमा भी आहूँ, तो सबों से मिलूँ मैं। हाँ, और आप मन के मैया दुलार आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा जरूरत है, तो ज़रूर ज़रूर आके दूँ, झारा झारा नेवता है, आप सबों के अगोरा करूँ। ठीक है, तो अभी बार जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। और हमारे मन के कौन से गोट बात अच्छा लगी से कमेंट करके जरूर बताऊँ, और पिक्चर के बारे में आपके मन में कोई सवाल हुई ही, तीन डायरेक्टर के बारे में, हीरो हीरोइन के बारे में कोई सवाल हुई, कमेंट जरूर कर दूँ, भैया मन जवाब दे दी, महू जवाब दे दूँ। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़।